everybody smile. एक बार तुम तीनों के साथ मुझे अपना बचपन फिर से जीना, किसी भी तरह एक बार एवरेस्ट तक जाना। साल में एक दिन तेरा बर्थडे आता है, उसमें भी तेरा जो एवरेस्ट है ना, ये सारे गिफ्ट ले जाता। मखमल गालो वाली क्या मराज वैसे मंडरा रहा है कंधे पर, तो बुला लो तुरंत गला पकड़ने के लिए। ईडी चढ़ी सबके चारों ऊपर से बोले पांच लोग कर तू बदन है केटिको केटिको सिर्फ मदन है। इनके परिवार को इतला कर दीजिए। बस हम इस फेज से वो बैंक मिस्ट्री विसर्जन वही होना चाहिए जहां उसकी आत्मा बसती। हमारी उम्र क्या जानता है ना तुम। अब मैं तो सोच भी रहा हूँ, शरीर तो मुझे मजाक के लिए गारंटी देती, अभी इसकी बात तो दूर हो गई। क्या लग रहा है अपना पहाड़ों में बर्फ होती है कहीं फिसल बन जाना। हम तो एवरेस्ट चढ़ने चले जा रहे हैं। मेरा मतलब है अब सारा दिल्ली से कानपुर तक की दूरी 495.6 किलोमीटर हम 7 घंटे और 31 मिनट में तय करेंगे। बाथरूम के लिए कब रुकना वो भी आप बता दो, कब आएगी इसका भी तुमने प्लान बनाया होगा। हाँ बनाया होगा। एवरेस्ट बेस कैंप की ट्रैक दुनिया की सबसे मुश्किल ट्रैक्स में से एक है। यहाँ पर इतनी ठंड पड़ सकती है कि हम कभी भी बर्फ बन सकते, तो हर रोज 8 से 10 घंटे ट्रैक करने के लिए तैयार हो आप सबको घर ही बैठना चाहिए। अमेजिंग है इसलिए हमें घर पे बैठना चाहिए। नहीं बैठना हमें कहते, हमें पार चलने हैं, नदियाँ पार करनी है, जंगलों में घूमना है, कल तक तुम्हें करना है, हम नहीं बैठे। भूपेन का फेवरेट गाना।